नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। रेस्टोरेंट क्लाउड किचन का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके Q&A के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं और यहां पे मैं दो क्वेश्चन ले रहा हूं। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही है। यहां पे एक ने पूछा है हाउ टू गेट ऑनलाइन ऑर्डर मोर एंड मोर एंड मोर। दूसरा एक क्वेश्चन है कि मैंने रेस्टोरेंट चालू करा है, मुझे दिन में एक या दो ऑर्डर्स आ रहे हैं तो मैं कैसे इंक्रीज़ करूं। तो ये सबकी कॉमन प्रॉब्लम होती है। हम लोग एक रेस्टोरेंट या बेसिकली हम लोग ऑनलाइन क्लाउड किचन की बात करें, यहाँ पे हम लोग अपना क्लाउड किचन स्टार्ट कर देते हैं और हमें जो ऑर्डर्स की संख्या बहुत ज़्यादा कम होती है या ना के ही बराबर होती है। तो आप लोगों को मैं यही सुझाव देना चाहता हूँ यहाँ पे कि आपको अपनी मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप चाह रहे हैं कि स्विगी जोमैटो से ऑर्डर आए तो स्विगी जोमैटो पे ऑर्डर कीजिएगा। आप लोगों को इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आपको मार्केटिंग नहीं करनी है। आप जिस प्लेटफॉर्म को पैसे लगाएंगे या जिस प्लेटफॉर्म पे पैसे देंगे वहीं से ही आपको ऑर्डर आएंगे। अगर आप फेसबुक के ऐड चलाएंगे या इंस्टाग्राम पे ऐड चलाएंगे तो कभी भी आपके पास स्विगी जोमैटो से ऑर्डर की संख्या इंक्रीज़ नहीं होगी। अगर आप स्विगी जोमैटो से अपने ऑर्डर्स की संख्याओं को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो स्विगी जोमैटो के प्लेटफॉर्म पे ही आपको अपनी पब्लिसिटी या अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है। दूसरी यहाँ सबसे बड़ी बात होती है, हम लोग यहाँ पे ये मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं, पर एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारा प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट को हम लोग हमेशा नेगलेक्ट करते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। जो भी रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन स्टार्ट करता है अगर वो एक सही दिशा में चलता है या सही सोच के साथ चलता है तो सबसे पहले वो काम करता है अपने प्रोडक्ट के ऊपर और उसके बाद वो उसकी मार्केटिंग करना शुरू कर देता है। यहीं इसके उल्टा हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता है कि हमारी खुद की इनोवेशंस हो या कहीं से सिर्फ हमने मेन्यू कॉपी कर लिया है, कहीं से मैन पावर इकट्ठा कर लिया और हमने स्टार्ट कर दिया हो और हम लोग उसको सेल आउट करना शुरू करते हैं। हम लोग प्रोडक्ट पे काम नहीं करते, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम नहीं करते, हम लोग सिर्फ सेल्स में काम करने लग जाते हैं। और यहाँ से जो सेल्स आती भी है वो सेल्स सिर्फ उस तक ही लिमिट रह जाती है क्योंकि जो भी हमारे कस्टमर का एक्सपीरियंस होता है वो ख़राब हो जाता है। मैं एग्जांपल लूँगा, मेरे क्लाइंट है गुड़गांव के, वो एक बहुत ही एक मल्टीनेशनल कंपनी चलाते हैं, उनकी खुद की कंपनी है। अब उनका घर लाजपत नगर में है। एक किसी ने मुझे कॉल किया था कि भाई मैंने इस नाम से अपना लाजपत नगर में मैंने स्टार्ट किया है, वहाँ पे हम लोग ऑथेंटिक जो आपके जो नॉर्थ इंडियन कुजीन है, दाल मखनी, बटर चिकन, ये सारी सेल करते हैं। मैंने अपने जो मेरे क्लाइंट थे मैंने उनको बोला कि आप मेरे मेंटर हैं एक्चुअली, उनको बोला आप वहाँ से ट्राई कीजिएगा। उन्होंने बोला सर मेरे घर में फिक्स्ड है, मैं 40 साल का हूँ और जब से मैंने खाना शुरू करा मैं देख रहा हूँ जिस एक पर्टिकुलर दुकान से या पर्टिकुलर शॉप से बटर चिकन आ रहा है आज भी वहीं से बटर चिकन आ रहा है, जिस दुकान से दाल मखनी आ रही थी आज भी उसी से आ रही है, और जब तक मैं जिंदा रहूँगा और मेरे बच्चे रहेंगे तब तक हम लोग वहीं से ही ऑर्डर करेंगे। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफीट द ओल्ड कॉम्पिटिशन। अगर आप अपने प्रोडक्ट पे नहीं काम करते हैं, सिर्फ कॉपी कर ले रहे हैं कि मुझे ये आता है मैं ये खोल लूँगा, तो कभी भी आपका फार्मूला या आपका रेस्टोरेंट क्लाउड किचन कभी भी सक्सेस नहीं होगा। आप लोग सिर्फ सेल्स के ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी प्रोडक्ट बिल्डिंग के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ पे अगर आप मेरे पूरे चैनल का मोटो देखेंगे तो मैं लोगों को यही चीज़ें समझा रहा हूँ। यही छोटी छोटी बारीक चीज़ें होती हैं जिनको कि अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आपका बिजनेस जो बिल्ड होगा, आपका बैकएंड स्ट्रांग होगा। आप बेच तो दोगे किसी को एक बार पर वो दोबारा आपके पास कभी नहीं आएगा, चाहे आपका खाना हो चाहे आपकी सर्विसेज। तो जितने भी लोग स्टार्ट करते हैं आप मार्केटिंग पे तो ध्यान दीजिए पर जो आपके बैकएंड की चीज़ें हैं उन पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी मैन पावर के ऊपर ध्यान दीजिए, तब जाके आपकी जो सेल्स इंक्रीज़ होंगी क्योंकि उनका जो भी इफ़ेक्ट है वो आपकी सेल्स के ऊपर ही पड़ने वाला है। उम्मीद करता हूँ जो भी दो तरीके मैंने आपको बताए हैं उन आपको समझ आए होंगे और आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप जो व्हाट्सएप का ग्रुप है नीचे भी लिंक मिल जाएगा, उसमें उसको जाके डाल सकते हैं। वहाँ पे मेरे पर्सनल कोचिंग के प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसमें कि मैं 1-to-1 और मेरी टीम के बंदे आप लोगों को जो एक्सपर्ट शेफ़ है इसी फील्ड से वो सारी चीज़ें सिखाते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।